हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्या कहे थे कि आपको एक क्षेत्रीय संगठन से जुड़े हुए वीडियो को देखे थे, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है, और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपको WTO। तो आइए, इस WTO से क्या होता है कि आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं कि इससे आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपको करेंट क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपको WTO। तो सबसे पहले जानिए कि WTO का जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है। तो देखिए, WTO का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो आइए इस विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन है क्या। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है वह आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका जो मुख्य कार्य है वह है आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कानून बनाना। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य जो है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या करना, कानून बनाना। ठीक है, तो इस विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये डेट भी पूछे जाते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1995 को आपको WTO का क्या हुआ था, गठन हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में थे। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के किस शहर में है, तो जिनेवा में है। फिर है कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 164 है, और WTO का जो सबसे नवीन सदस्य देश है वो आपको अफगानिस्तान है। मतलब कि WTO में सबसे बाद में जो जुड़ने वाला देश है वो आपको अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है 164वां सदस्य देश है आपको WTO का। और ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ था कि NTPC, ठीक है, जो NTPC 2016 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उस मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कि WTO का जो 164वां देश है वो कौन है, तो वो आपको अफगानिस्तान है। फिर है WTO की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपको अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। ठीक है, तो यहां से याद रखना है कि ये जो WTO है इसकी जो आपको आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपको अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको रेनेटो रुगियरो थे, जो कि इटली के थे। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTO के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको रेनेटो रुगियरो, जो कि इटली के एक क्या थे, उद्योगपति थे, वही क्या किए थे, WTO के प्रथम अध्यक्षता किए हुए थे। अभी जो वर्तमान में इसके महानिदेशक है वो आपको रॉबर्ट अजवेडो है। ठीक है, तो यहां से इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं आपके जो भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में महानिदेशक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो WTO के जो महानिदेशक है वह आपको रॉबर्टो अजवेडो है, और ये जो रॉबर्टो अजवेडो है यह आपको ब्राजील से है। WTO की जो सबसे बड़ी संस्था है वह है इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इस चीज को याद रखिएगा कि WTO की कई सारी इकाई है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख है वह उसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। और यह जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होती है WTO का, वह आपको प्रत्येक 2 वर्ष बाद होती है। यहां से एक चीज को आपको याद रखना है कि WTO का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है वह आपको कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, तो आपको 2 वर्ष के अंतराल पे होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी सदस्य देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और इसका आयोजन जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WTO की जो सबसे प्रमुख इकाई वो कौन है, तो वह इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। और यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो 1996 में। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो जो भी सदस्य देश होते हैं उस सदस्य देश के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं वह इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आइए, WTO का जो अब तक क्या है कि 11 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुका है। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है कि WTO का अब तक कितने मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुका है, 11 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, और इस सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी 1996 में, क्योंकि इस चीज को हम यहीं पे क्लियर किए हैं क्या कि WTO के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1996 में, और इसका जो प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो आपको सिंगापुर में हुआ था। तो इस चीज को भी याद रखना है कि WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुआ था, 1996 में, कहां हुआ था, सिंगापुर में, और कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं, तो 2 वर्ष। ठीक है,
तो अभी हाल में क्या है कि जो WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो आपको वर्ष 2017 में हुआ था, और वर्ष 2017 में आपको हुआ कहाँ था, तो यह आपको अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। तो यहाँ से एक करंट क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है WTO से कि WTO का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो आपको अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। जबकि 2020 में WTO की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगी वो आपको कजाकिस्तान में होगी, और कजाकिस्तान के किस शहर में, तो अस्ताना में। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको करेंट से संबंधित है। ठीक है, कि हाल ही में आपको WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है बस 2017 में कहां हुआ है, तो आपको अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में, जबकि 2020 में कहां होगी, तो वह आपको कजाकिस्तान की जो एक शहर है अस्ताना वही होगी। ठीक है, अब है कि WTO का गठन जो हुआ था वह किस संधि के द्वारा हुआ था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, WTO का जो गठन हुआ था वो आपको मार्केस संधि के द्वारा क्या हुआ था, 1994-95 में हुई थी। यानी कि ये जो WTO है, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनिए, कि इसका गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ था, तो किस संधि के द्वारा, तो आपको मारेकस संधि के द्वारा। और ये जो मारेकस है वो आपको एक जगह का नाम है, और यह जगह जो है वो आपको मेक्सिको का क्या है, एक जगह है, तो वहीं पे मार्केस नामक एक शहर था, वहीं पर एक संधि हुई थी। इसी संधि के द्वारा क्या हुआ था कि WTO को वर्ष 1995 में स्थापित किया गया। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चीन WTO का सदस्य किस वर्ष से है, तो चीन जो है WTO का सदस्य जो है वो आपको 2001 से है। जब 2001 में क्या हुआ था कि दोहा में, कहा दोहा में क्या हुआ था कि आपको WTO के जो सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था उसी में क्या हुआ था कि चीन जो था वो जुड़ा हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं कि चीन WTO का जो सदस्य है वह कब से है, तो चीन जो WTO का सदस्य है वह आपको वर्ष 2001 से है। अब है कि WTO का जो गठन किया गया था वह किसके स्थान पर किया गया था, तो WTO का गठन जो था वो आपको गेट के स्थान पर किया गया था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गेट आखिरकार है क्या, और गेट को स्थापित क्यों किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि विश्व को काफी ज्यादा क्षति हुई थी, तो ऐसे क्षति से उभरने के लिए क्या हुआ था कि आपको गेट का गठन किया गया था, ताकि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो डूब गई थी, उस व्यापार को क्या करना था, बढ़ावा देना था। तो इसी उद्देश्य से गेट का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो सबसे पहले गेट का पूर्ण रूप जानेंगे कि गेट है क्या। तो देखिए, गेट का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए गेट का पूर्ण रूप क्या होगा, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, मतलब प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता। अब भाई, तो ये WTO का जो गठन हुआ था 1948 में, और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 23 थे, और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो आपको पीटर सदरलैंड थे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि WTO का गठन जो हुआ था वो आपको किसके स्थान पर हुआ था, तो गेट के स्थान पर। लेकिन गेट का गठन कब हुआ था, ये तो गेट का गठन आपको 1948 में हुआ था, लेकिन इसके लिए क्या हुआ था, 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या हुआ था कि एक फैसला लिया गया था कि आपको विश्व में व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़े। तो इसके लिए क्या हुआ था कि आपको क्यूबा की जो राजधानी है हवाना, ठीक है, याद रखना आपको कि क्यूबा की राजधानी जो है हवाना, इसी हवाना में क्या हुआ था कि आपको ITO की स्थापना की गई थी, और यही ITO बाद में चलकर क्या हुआ था कि आपको गेट का स्थान लिया था। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ITO का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान देना है। तो देखिये, ITO का मतलब हो जाएगा इंटर नेशनल ट्रेड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि ITO का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ITO को जो स्थापित किया गया था 1947 में, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही ITO 1948 में क्या हो गया कि गेट का स्थान ले लिया। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले WTO का पूर्ण रूप, तो WTO का पूर्ण रूप क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जो विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कानून बनाता है। WTO का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WTO में सदस्य देश कितने हैं, 164, इसका 164वां सदस्य देश कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको NTPC 2016 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन है, तो आपको अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रेनेटो रुगियारो, जो कि इटली के उद्योगपति थे। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो है वो आपको रॉबर्ट
अजय वेडो है जो कि ब्राजील के हैं और WTO की जो सबसे बड़ी संस्था है वो आपको कौन है, तो आपको इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो था वह वर्ष 1996 में क्या हुआ था कि सिंगापुर से शुरू हुई थी, ठीक है, और अब तक इसका 11 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुका है और यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो आपको प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। तो 2017 में जो कि हाल के वर्ष में इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो था वो आपको अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुई थी, जबकि 2020 में क्या होगा कि 12वां, ठीक है, कौन सा नंबर याद रखिएगा कि 12वां, ठीक है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होगा WTO का वो आपको कजाकिस्तान के अस्ताना में होगी, ठीक है, और WTO का गठन आपको मार्केट संधि के द्वारा हुई थी और मार्केट संधि कब हुई थी, 1994-95 में, और चीन 2001 से क्या है कि WTO का सदस्य, इस चीज को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये जो WTO है, ठीक है, इस WTO का चीन सदस्य कब से, तो वर्ष 2001 से। WTO का गठन किसके जगह पर हुआ था, गेट के जगह पर हुआ था, ठीक है, और गेट के बारे में हम जानेंगे कि गेट है क्या, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, क्योंकि इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है। गेट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। गेट में के संस्थापक सदस्य देश कितने थे, तो आपको 23 था, ठीक है। गेट जो है किसका पूर्व नाम है, तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और इस इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई थी, स्थापना जो हुई थी वो आपको 1947 में हुई थी, ठीक है। फिर चलकर 1948 में क्या हुआ था कि ITO ही गेट का स्थान ले लिया था, और फिर आगे कालांतर में चलकर क्या हुआ था कि गेट का जगह जो है वो आपको WTO ले लिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आपको हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको क्षेत्रीय संगठन, इसके अलावा अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई कई सारी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहां से भी जाकर इन चीजों को कमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।